दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक के अंदर आज जो आपको 10% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली, इसके पीछे दो बड़ी वजह निकल कर आई है। साथ ही साथ यहां पर तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यस बैंक के अंदर अभी भी और प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो क्या वो दो बड़ी वजह यहाँ पर निकल कर आई है, जानेंगे उन दो बड़ी अपडेट्स को। साथ ही साथ अगर आपने यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर यस बैंक की आज आप ओपनिंग प्राइस देखेंगे तो 14.35 रुपये पर शेयर ओपन होता है और 14.50 रुपये का हाई बनाने के बाद में फर्स्ट सेशन से ही आपको इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। अगर एनएसई की बात करें तो आज एनएसई के अंदर यस बैंक की 3 बजे तक 54,54,60,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसके सामने 17,30,00,000 क्वांटिटी डिलीवरेबल बेस पर उठाई गई है। और अगर BSE की बात करें तो BSE के अंदर भी 8,36,00,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसके सामने 3,47,00,000 क्वांटिटी उठाई गई है डिलीवरेबल बेस पर। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से अगर आज के ट्रेडिंग सेशन को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर जो मेजर डिफरेंस है वो है बायर और सेलर में। यानी कि आज के अगर आप बायर और सेलर को कंपेरिजन करेंगे तो जहाँ पर 2,93,00,000 बायर आपको यहां पर करंटली देखने को मिले, उसी के सामने लगभग 8,57,00,000 सेलर आपको यहां पर हावी होते हुए देखने को मिले। यानी कि अल्टीमेटली जैसा कि आपको पता है कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से आपको यस बैंक के अंदर लगभग 35% तक की शानदार तेजी देखने को मिल रही थी, अब कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग में यहाँ पर तब्दील होते हुए हमें देखने को मिली है। और इसी कारण से यस बैंक का शेयर आज लगभग 10% तक यहाँ पर करेक्शंस के दौर से गुजरा है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि अब आपको क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना है यदि आपने यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करें तो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स तो अभी भी यस बैंक को लेकर फेवर में ही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यस बैंक एक ऐसा शेयर से जिसे कम्युनिटी सेंटीमेंट से नहीं बल्कि हर एक न्यूज़ से यहां पर आपको इसके अंदर अलर्ट होकर चलना चाहिए। अगर सबसे ज़्यादा अभी लाइन लाइट में कुछ बना हुआ है यस बैंक की न्यूज़, तो यस बैंक और डिश टीवी के बीच में जो यहाँ पर एक केस चल रहा है, यानी कि जो यहाँ पर यस बैंक चाहता है कि डिश टीवी के पूरे मैनेजमेंट को यहाँ पर हटाया जाए, तो इसी केस को लेकर यहाँ पर यस बैंक बहुत ज़्यादा पूरे शेयर मार्केट के अंदर हाईलाइट में बना हुआ है। और इसी केस को लेकर एक और बड़ी अपडेट्स यहाँ पर आज ही के दिन निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि यस बैंक ने रिसेंटली यहां पर एक CNBC टीवी 18 के साथ में एक इंटरव्यू में कुछ अपडेट शेयर करी थी, जिसमें यस बैंक को आशंका जाहिर करी थी कि डिश टीवी के अंदर कुछ संदेहास्पद यानी कि कुछ छुपे हुए निवेश हुए हैं, जिसके कारण यहां पर जो डिश टीवी के निवेशक हैं उनसे छुपाया गया है। यस बैंक को जिस इन्वेस्टमेंट पर शक है वह OTT प्लेटफॉर्म वॉचडॉग में डिश टीवी के 1,378 करोड़ रुपये के निवेश को लेकर है। और इसी के कारण यस बैंक इस मामले में अब फॉरेंसिक ऑडिट भी करवाना चाहता है। तो इसी केस में यहाँ पर आज ही के दिन एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है। आप देख सकते हैं डिश टीवी मामले में लियास और यस बैंक की मंशा पर सवाल उठ रहा है, क्या किसी कॉरपोरेट घराने के हाथ में है रिमोट कंट्रोल। यानी कि अगर आप कंप्लीट न्यूज़ पढ़ेंगे तो शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से यस बैंक और डिश टीवी फोकस में रहे हैं। दरअसल यस बैंक ने डिश टीवी के बोर्ड में 5 डायरेक्टर्स को हटाने की डिमांड की थी। इस प्रस्ताव को प्रॉक्सी एडवाइजरी फ्रॉम लियास ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन अब यस बैंक और लियास खुद ही अपने सवालों में फंसते दिख रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि यस बैंक की ऐसी डिमांड रखने की मंशा क्या है, उसके बाद लियास भी उसे क्यों सपोर्ट कर रही है, इसके पीछे दोनों की क्या मंशा है, अचानक ऐसी डिमांड क्यों की जा रही है, किसके कहने पर यह किया जा रहा है और इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। तो इन्हीं सवालों को देखते हुए यस बैंक का शेयर वापस यहां पर फोकस में आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि यदि आपने यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अब आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर यहाँ पर चलना है। यस बैंक की डिमांड को पहले ही प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ACS ने सहमति देने से इनकार किया है। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ACS ने अपने नोट में कहा था कि डिश टीवी के बोर्ड में बदलाव नहीं किया जा सकता, इसके लिए पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की मंजूरी लेनी होगी। जी बिजनेस की टीम ने इस पूरे मामले में कुछ अहम जानकारी जुटाई है। हालांकि ये सारी अपडेट्स ऑलरेडी आप जी बिजनेस की अपडेट
ऑफिशियल साइट पर जाकर वॉच कर सकते हैं, कंप्लीट न्यूज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा आपको इस न्यूज़ को बताने का यही इंटेंशन था कि अगर आपने यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अब आपको यहाँ पर तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। साथ ही अगर आप यहां पर 17 सितंबर आज ही के दिन की न्यूज़ देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यस बैंक करेक्ट्स ऑन प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि 14 रुपये 15 रुपये के लेवल से जिन भी शेयर होल्डर्स ने यस बैंक के अंदर खरीदारी कर रखी थी और वो काफ़ी टाइम से इस बड़े लॉस को लेकर बैठे हुए थे, तो अब डेफिनेटली यहाँ पर सभी शेयर होल्डर्स अपने कॉस्ट को रिकवर करने के बाद में यहाँ पर बाहर होना चाहेंगे। हालांकि यस बैंक की जो रेटिंग्स यहां पर निकल कर आ रही है, जितने भी ब्रोकरेज फर्म है उनकी तरफ से रेटिंग काफ़ी इजाफे वाली निकल कर आ रही है, काफ़ी पॉजिटिव रेटिंग हमें यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि यस बैंक के ऊपर एनपीए बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यहां पर यस बैंक अपने शेयर होल्डर्स पर वापस ट्रस्ट बना पाए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगभग 12 एंटिटीज एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन यस बैंक्स एआरसी प्रपोजल। तो यहाँ पर लास्ट मंथ ही हमें यस बैंक की तरफ से जो 12 एंटिटीज है जिसमें एक्सप्रेस इंटरेस्ट को लेकर भी यहाँ पर एआरसी की तरफ से प्रपोजल देखने को मिला था। बात करें कि यस बैंक के फंडामेंटल्स नंबर्स कैसे हैं, तो यस बैंक के फंडामेंटल नंबर्स अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें तो नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम नंबर्स देखें तो कंपनी अभी भी लॉस में हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि क्वार्टर फोर के अंदर जो यस बैंक ने हाईली प्रोविजन डिक्लेयर करे थे जिसके कारण यस बैंक की जो शेयर प्राइस है वो लगभग 18 रुपये से आपको स्लिप होते हुए लगभग 10 रुपये तक जाते हुए देखने को मिली थी। इसी कारण से यस बैंक के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपको यहाँ पर अगर आपने जिस लेवल पे इसमें एंट्री ली थी वह लेवल आ चुका है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यानी कि मंडे के दिन भी यस बैंक के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यस बैंक और डिश टीवी के बीच में जो आपको केस देखने को मिल रहा है, इस केस का जो भी डिसीजन आता है अगर वो डिश टीवी के फेवर में जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर हटाया नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं यस बैंक के शेयर्स पर वापस प्रेशर बनते हुए हमें देखने को मिल सकता है। तो यही सारी अपडेट्स जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। IRCTC की तरफ से भी जो 3 बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है वो ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। यस बैंक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बाजार की खबर ऑफिशियल चैनल के थ्रू आपके लिए एक नया ऑफर एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसमें आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म की लिंक दी हुई है, अगर आप वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से 200 रुपीज़ का इंस्टेंट कैशबैक प्लस साथ ही में 2 स्विंग ट्रेड प्रोवाइड करी जाएगी। तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए और अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आपको शेयर मार्केट की हर छोटी बड़ी अपडेट्स कंटिन्यूसली बेसिस पर प्रोवाइड करी जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।